जैसे पार्ट टू आज आपको पढ़ा रहे हैं चालक का मूलक अनुमान, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस चालकता के द्वारा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का अंतिम बिंदु ज्ञात करना चालकता मूलक अनुमापन कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, पहली कैटेगरी है अम्ल क्षार अनुमापन और दूसरी कैटेगरी है अवक्षेपण अनुमापन। पहली कैटेगरी अम्ल क्षार अनुमापन, ये अम्ल क्षार अनुमापन चार प्रकार का होता है, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार अनुमापन, दूसरा प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार अनुमापन, तीसरा दुर्बल क्षार प्रबल दुर्बल क्षार प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार अनुमापन, और चौथा होता है दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार अनुमापन। तो पहले हम आपको बताएंगे प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार अनुमापन। प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार अनुमापन, प्रबल अम्ल है HCl, तो चूंकि यह प्रबल है इसलिए हम लिखेंगे H आयंस प्लस Cl आयंस, तो H आयंस प्लस Cl आयंस। दुर्बल प्रबल क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो Na प्लस OH आयंस नेगेटिव। अब जब इनके लिए ये कंडक्टिविटी सेल है, सेल में ये नीचे सेल होती है, ये कंडक्टिविटी ब्रिज कहलाता है और ये ब्यूरेट होता है। तो HCl को हम बीकर में लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रोड लगा होता है और NaOH को हम ब्यूरेट में भर देते हैं। अब जैसे जैसे हम HCl में पहले चालकता का मान होता है H आयंस और क्लोराइड आयंस, तो चालकता क्योंकि H आयंस की और Cl आयंस की चालकता अधिक होती है, तो ये A पॉइंट पे आपको दिखाया गया है, लाइन A से चालकता A। परंतु जैसे जैसे हम ब्यूरेट से इसमें NaOH आयंस मिलाना शुरू करते हैं तो इसके H आयंस OH आयंस से विस्थापित होकर वाटर बना देते हैं और H आयंस की संख्या कम होने लगती है। चूंकि H आयंस की संख्या कम होने लगती है इसलिए हमारी चालकता का मान भी इस तरीके से कम होता जाता है। अंतिम बिंदु आने के बाद जब सारे H आयंस OH आयंस से विस्थापित हो जाते हैं और हम और अधिक मात्रा में NaOH मिलाते हैं तो ये लाइन C और D इस तरीके से बढ़ती है। उसमें का कारण है OH आयनों की वृद्धि। जब सारे एच आयंस को OH आयंस हटा देता है बीकर में से, तो जब हम NaOH और मिलाते हैं तो OH आयन की संख्या बढ़ती है, तो चालकता का मान भी बढ़ता है। अब इन दोनों लाइनों को यदि हम पीछे की तरफ इस तरीके से बढ़ा दें, एक्स्ट्रापोलेट कर दें, तो जहाँ ये काटती है उसको हम कहते हैं अंतिम बिंदु। तो प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार में जो वक्र आता है वो आता है बीच में। प्रबल अम्ल की चालकता पहले कम होती है और फिर और NaOH मिलाने पर ये चालकता का मान बढ़ जाता है। तो चालकता को जब हम क्षार के आयतन के साथ आलेखित करते हैं तो बी शेप का बी आकार का हमें वक्र प्राप्त होता है। अब दूसरी कैटेगरी है हमारी प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार अनुमान। प्रबल अम्ल H आयंस H प्लस आयंस और Cl आयंस, इनको आयनिक रूप में लिखते हैं चूंकि ये प्रबल है। दूसरा है इसमें दुर्बल क्षार, तो चूंकि क्षार दुर्बल है तो इसको हमने पूरा इस तरीके से लिखा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब ये रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो ये बनाते हैं अमोनियम क्लोराइड और पानी, तो अमोनियम क्लोराइड चूंकि प्रबल है इसलिए हम लिखते हैं Na4 प्लस आयंस प्लस Cl माइनस आयंस और प्लस H2। इसमें भी हम जो अम्ल है उसे सेल में लेते हैं और NaOH के स्थान पर अब यहाँ पर हम लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड ब्यूरेट। अब जब चालकता का इसका वक्र खींचते हैं तो HCl की चालकता अधिक होती है तो ये अधिक आता है धीरे धीरे। इसमें जैसे जैसे हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो ये OH आयन जो है H आयन को कम करते जाते हैं और अमोनियम जो कि कम गति के आयन है ये जगह लेते जाते हैं, तो ये लाइन जो है हमारी ए भी इस तरीके से कम होती है। और इसके बाद अंतिम बिंदु आने के बाद जब हम और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं ब्यूरेट से इसमें, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड चूंकि दुर्बल विद्युत करते हैं ये आयन नहीं बनाता, तो हमारी जो लाइन होती है सी और डी वो स्ट्रेट लाइन में सीधी
लाइन में परिवर्तित हो जाती है, हमें इसकी चालकता में कोई परिवर्तन नहीं होता और सीधी रेखा सीधी प्राप्त होती है। अब इन दोनों रेखाओं को यदि हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो इस पॉइंट पर जो आता है इसको हम कहते हैं अंतिम बिंदु। तीसरा ऐसा सी कैटेगरी दुर्बल अंग तथा प्रबल शाख अनुमान। दुर्बल अंग, दुर्बल अंग हम लेते हैं ऐसे की जैसे, दुर्बल अंग तथा प्रबल शाख, प्रबल शाख अनुमान, प्रबल शाख अनुमान। दुर्बल अंग है हमारा ऐसे की जैसे, जैसा आपको बताया गया क्योंकि दुर्बल है जैसे हम पूरा का पूरा इस तरीके से लिख लेते हैं CH3COH, और प्रबल शाख है जिसको आयनिक रूप में लिखते हैं सोडियम आयन प्लस OH। लेते हैं ये ब्यूरेट में और एसिटिक एसिड को हम लेते हैं इस चालकता सेल में, तो जब हम ऊपर से धीरे धीरे सोडियम आयन्स मिलाते हैं, सोडियम आयन्स मिलाते हैं चूंकि एसिटिक एसिड बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसकी लाइन जो वक्र है वो इस तरीके से इसकी चालकता का मान बहुत कम होता है, परंतु जैसे जैसे इसमें हम प्रबल विद्युत करते हैं NOH मिलाते हैं तो इसकी चालकता का मान ए भी इस तरीके से बढ़ता है। बढ़ने के बाद जब सारे OH आयंस पानी से अभिक्रिया करके एसिड एसिड के एच आयंस OH आयंस से अभिक्रिया करके पानी बना देते हैं, उसके बाद अंतिम बिंदु आने के बाद जब हम और इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण मिलाते हैं तो चूंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल विद्युत अवकर्ष है तो उसमें फिर OH आयनों की संख्या बढ़ने लगती है और चालकता का मान इस तरीके से सीधी लाइन के द्वारा हमारा बढ़ने लगता है। इन दोनों को पीछे बढ़ाने की तरफ जहां पर भी यह बिंदु आता है इसको हम कहते हैं अंतिम बिंदु। तो इसका जो वक्र है उसमें ए भी नीचे से और सी डी ऊपर की तरफ चला जाता है। चौथी कैटेगरी है इसकी दुर्बल अंग तथा दुर्बल शाख अनुमान। दुर्बल अंग एसिटिक एसिड, दुर्बल शाख अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दोनों का ही आयनन नहीं होता, अतः तो इसका रिएक्शन है CH3COOH प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि दोनों ही दुर्बल है तो हम इसे पूरा आणविक रूप में लिखते हैं। जब इनकी अभिक्रिया होती है तो सोडियम अमोनियम एसीटेट बनता है जो कि प्रबल विद्युत अपकर्षक है और पानी आप जानते हो दुर्बल विद्युत अपकर्षक है। क्योंकि एसिटिक एसिड की चालकता कम होती है तो इसका वक्र आता है ए भी इस तरीके से नीचे से इस तरीके से बढ़ जाता है, क्योंकि एसीटेट सोडियम एसीटेट आयन जो है वो अमोनियम से अभिक्रिया करके अमोनियम एसीटेट प्रबल विद्युत अपकर्षक बढ़ाते हैं तो चालकता का मान भी ए बी लाइन द्वारा बढ़ने लगता है। अंतिम बिंदु आने के बाद जब हम इसमें और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो चूंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रबल विद्युत अपकर्षक है तो ये वक्र जो है ये स्ट्रेट लाइन में आ जाता है, चालकता में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। तो इन दोनों लाइनों को जब हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं इस तरीके से तो जहाँ पे बिंदु मिलता है उसको हम कहते हैं एंड पॉइंट या अंतिम बिंदु। तो ये चार कैटेगरी है आपकी प्रबल अम्ल और क्षार अनुमान। इसके साथ ही एक कैटेगरी और है जिससे हम चालकता मूलक अनुमापन से हम आसानी से उसका अंतिम बिंदु निकाल लेते हैं, वो है अवक्षेपण अनुमान। अवक्षेपण अनुमापन में हम दो विलयन लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन और दूसरा KCl का विलयन। इसमें सिल्वर नाइट्रेट को हम सेल के अंदर रखते हैं और KCl को हम इस ब्यूरेट में भर देते हैं। सिल्वर नाइट्रेट जो कि इसकी चालकता कोई ज़्यादा अधिक नहीं होती है तो इसकी चालकता का ग्राफ दिया हुआ है ए बी सी डी लाइन ही हमें प्राप्त होती है, क्योंकि जब हम सिल्वर नाइट्रेट में KCl आयंस मिलाते हैं तो Ag आयंस को पोटेशियम आयंस हटाते हैं, पोटेशियम आयन हटाते हैं इसको इससे विस्थापित होते हैं और दोनों चूंकि दोनों की चालकता समान ही होती है तो इसकी चालकता की जो ग्राफ है वो सीधी रेखा प्राप्त होती है। इस तरीके से पहली लाइन हमारी है सीधी रेखा प्राप्त होती है ए सिल्वर नाइट्रेट और KCl के विलयन में, परंतु जब अंतिम बिंदु आ जाता है और हम फिर इसमें और पोटेशियम क्लोराइड मिलाते हैं तो चालकता का मान पोटेशियम क्लोराइड आयनों की संख्या बढ़ने से
लाइन आती है और सी डी जो है उसमें चालकता का मान बढ़ जाता है। यहाँ पर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ केसीएल, केसीएल और इसमें है चालकता का मान जो घटक को घटित जो इससे हम निकालते हैं। तो इस तरीके से ये है अक्षेपण अनुमापन। तो आपके दो अनुमापन है अनुशार ए कैटेगरी बी शेप बी एक ऊपर एक स्ट्रेट लाइन सी नीचे आता है और उसमें ऊपर चला जाता है डी में ये एसिटिक एसिड का नीचे आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का पैनल हो जाता है और अनुशार अनुमापन उसमें अक्षेपण अनुमापन में पहले सीधी रेखा आती है और सीधी जो है उसमें चालकता का मान बढ़ जाता है। इस पर संक्षिप्त टिप्पणी आती है, इसको आप तैयार कर लीजिए और इसके साथ ही आपका वैद्युत रसायन